मैं सोनाली और आप देख रहे केकेडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं मथुरा की खास खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां करवा चौथ के व्रत को लेकर अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अध्यापिकाओं ने आपस में मेहंदी लगाकर तथा भजन गीत गाकर करवा चौथ के इस व्रत रखकर आनंद लिया। वहीं अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की मीडिया प्रभारी मांडवी राठौर ने कहा कि सुहागिनों के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि उनके पति की उम्र दीर्घायु और लंबी हो। प्रदेश भर में मथुरा जनपद फसल अवशेषों को जलाने की घटनाओं को ट्रेस करने में पहले पायदान पर रहा है। सैटेलाइट की मदद से सीजन में मथुरा जनपद में फसल अवशेष जलाने की कुल 84 घटनाएं पकड़ी गई हैं, जिसमें 70 घटनाएं पराली जलाने की हैं, जबकि 14 अन्य घटनाएं फसल अवशेष जलाने की पकड़ी गई हैं। पीलीभीत जनपद में 80 घटनाएं हुई हैं, जबकि अलीगढ़ में 78 घटनाएं हुई हैं। सैटेलाइट की मदद से इस तरह की घटनाओं को पकड़ा जाता है। इसके बाद मौके पर पहुंचकर घटना को ट्रेस किया जाता है। मथुरा जनपद में पिछले साल पराली जलाने की 30 घटनाएं हुई थी। जिला प्रशासन की ओर से इस पर पराली का बेहतर प्रबंधन किया गया है। आपको बताना चाहता हूं कि पीएम प्रणाम योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जनमानस कई बीमारियों से जूझता आ रहा है, और इस समय कोरोना जैसी महामारी अभी ख़त्म हुई है और उसका एक दूसरा रूप डेंगू चिकनगुनिया के रूप में आ रहा है, और लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। तो इसी संबंध में पीएम प्रणाम योजना हमारी जो रासायनिक उर्वरक है उसकी मात्रा को कम करते हुए जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती तीनों को एक साथ मिलाकर करने से हम लोग रासायन के कारण विषाक्तता भोज्य पदार्थों में आ रही है उसको कम करने के लिए यह योजना लाई गई है। तो इसमें किसान भाइयों को क्या करना है कि आप लोग जो किसान भाई हैं वो रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरक से संबंधित ऐसे उर्वरक हैं जो कि भूमि की विषाक्तता, पानी की विषाक्तता, वायु की विषाक्तता को कम करते हैं, उन उर्वरकों का प्रयोग करना है, खादों का प्रयोग करना है। तो इस तरह भी जो है उनको सहयोग दिया जा रहा है और छोटे छोटे कदमों से सरकार उनका सहयोग कर रही है। आपको बताना चाहता हूं। खबर मथुरा से है, जहां सघन टीकाकरण अभियान के बावजूद कुछ बीमारियां उभर कर आ रही हैं। लगातार मरीज सामने आने से सरकार भी चिंतित है। डिप्थीरिया, टिटनेस, फर्टिटिस जैसी बीमारियों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। जनपद के 1.5 से अधिक बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस और फर्टिटिस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण किया जाएगा। 1 नवम्बर से 10 नवम्बर तक स्वास्थ्य विभाग सघन टीकाकरण अभियान चलाएगा। सीएमओ अजय कुमार वर्मा ने बताया कि पहली बार यह हो रहा है, इसलिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है, लेकिन जो डाटा मिला है उसके हिसाब से करीब 1.5 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। अब चूंकि डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टिटनेस ये तीन महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, खास तौर से जो मैं बात करूं डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया के कुछ केसेस मिल भी रहे हैं जिसमें 5, 10 और 16 साल के बच्चों को हमें इससे टीकाकरण कराना है। शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं महानिदेशालय परिवार कल्याण से कि अब स्कूल बेस्ड हम ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे, पहली क्लास के बच्चे जो 5 साल के हों, 5वीं क्लास के बच्चे जो 10 साल के हों और 10वीं क्लास के बच्चे जो 16 साल के हों। पहली क्लास वाले बच्चों को DPT, 10 साल वाले बच्चों को और 16 साल वाले बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस की हम एक अतिरिक्त सुई लगाएंगे उनको। सभी प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों में इस संबंध में कई बैठकें भी हो गई हैं, DIO साहब से भी हो गई हैं, उनसे भी सारा डाटा शेयर हो गया है, BSA साहब से भी हो गई हैं, और अभी चूँकि शहरी मंदिर के संबंध
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने वाले कार्यक्रम को दीप महोत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। वृंदावन स्थित राधाकांत मंदिर में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें श्री महंत फूल रोडदास जी महाराज ने कहा कि अब हिंदू जाग रहा है, हिंदू अपनी प्राचीन स्थलों को प्राप्त करेगा। मृदुलकांत दास जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान एक प्राचीन स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हमारे जन्म स्थान पर विधर्मियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उसी कब्जे को हटाने के लिए माननीय न्यायालय में केस चल रहा है, इसलिए हम श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में दीपदान करेंगे। हम दीपदान के लिए जिला अधिकारी से परमिशन मांगेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि देश विदेश से लगभग 11 लाख कृष्ण भक्त मथुरा आएंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दीपदान करेंगे। मंदिर के संबंध में आज यहाँ बैठक हुई। बैठक में सभी भक्तों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में 6 दिसंबर को लाखों श्रद्धालु दीपदान करेंगे। भारतवर्ष के अपने देश से कृष्ण भक्त आएंगे, विदेशों से भी कृष्ण भक्त आएंगे, NRI आएंगे और सभी का एक ही मत है कि जहाँ भगवान कान्हा का जन्म हुआ उस स्थान पर 6 दिसंबर को दीपदान करें, क्योंकि जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तो तब से दीपावली का कार्यक्रम चालू हो गया है। पूरी अयोध्या में दीपदान हुआ था और 6 दिसंबर को भगवान श्री राम का मंदिर आज़ाद हुआ था, तो उस पर्व को भी हम सौर पर्व के रूप में मनाते हैं। वो पर्व भी हमारे लिए दीपावली का ही पर्व होता है, तो 6 दिसंबर को सभी कृष्ण भक्त दीपावली की ही तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दीपदान करेंगे। सभी सनातनी हिंदुओं से, सभी हिंदुवादी संगठनों से और जितने भी कृष्ण भक्त हैं सभी से हमारी यही अपील है कि आप सभी 6 दिसंबर का दिन एक दिन हमें दे दीजिए और हमारे कान्हा के मंदिर में दीपदान कीजिए, जिससे हमारे कान्हा को बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि विधर्मियों द्वारा वहाँ पर उस स्थान पर नमाज पढ़ी जाती है, कुछ लोग वहाँ ऐसे भी पहुँच जाते हैं जो गौमांस खाते हैं, इसलिए उस भगवान के स्थान पर, उस कान्हा के जन्म स्थान पर हम लोग टैंक चोरने की जिम्मेदारी है। मथुरा में यातायात दिवस टैंक चौराहा पर यातायात माह का शुभारंभ किया गया, जहां SSP मथुरा शैलेंद्र कुमार पांडे ने फीता काटकर शुभारंभ किया। एक माह तक चलने वाले यातायात दिवस पर जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह ने यातायात के नियम के पालन करने की जनता से अपील की है। कार्यक्रम में शामिल हुए पुलिस अधीक्षक यातायात देवेश कुमार शर्मा ने यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी मथुरा SSP मथुरा ने मथुरा न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सौजन्य से पत्रकारों को हेलमेट वितरण किया है, जिसके बाद जिला अधिकारी मथुरा SSP मथुरा में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में BSA कॉलेज के प्रधानाचार्य ललित मोहन शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा, मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा आदि मौजूद रहे। हमें स्वयं क्यों नहीं जिम्मेदारी है कि हम यातायात नियमों का पालन करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अव्यवस्था हो और सुरक्षा। कहाँ कहाँ साइनेजेस लगाने हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर्स लगाने हैं, कहाँ अगर शार्प बेंड है उसको लेके इंजीनियरिंग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये विभिन्न हमारी निर्माण एजेंसीज PWD, RES, NHAI इन सब के साथ भी हम लगातार कोऑर्डिनेट करके जो हमारी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है उसको स्ट्रेंथ करते हैं। अगर कोई फिर भी जानबूझकर यातायात नियमों का उल्लंघन करता है उसके लिए हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, जिसको आगे चल करके इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, मैं भी कि देश के लिए उतने महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन उस परिवार के लिए आप सोचिए वो पूरा देश थे। एक व्यक्ति जो घर का पति होता है, पत्नी होता है, बेटा होता है, वो एक व्यक्ति नहीं होता है, तो उसके लिए पूरी दुनिया होता है, और जिसके दुनिया उजड़ जाए तो फिर इसका जीना कितना दुश्वार हो जाता है ये हम आप सभी लोग अवगत हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे ट्रैफिक के नियम हैं हम उसका पालन करें। हमने स्वयं क्यों नहीं जिम्मेदारी। खबर
खबर मथुरा से है, जहां संचालित पार्किंग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पार्किंग संचालक से पार्किंग स्थिति की समीक्षा की गई। इसके बाद वृंदावन में श्री रंगजी मंदिर में बड़ा बागीचा तक प्रस्तावित स्मार्ट रोड एवं सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। तदुपरांत आगामी छठ पूजा पर्व पर समुचित व्यवस्थाएं कराने के दृष्टिगत देवरहा बाबा घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियमित साफ सफाई रखने, निराश्रित गोवंश को पकड़कर गौशाला पहुंचाने एवं परिक्रमा मार्ग में नियमित पानी का छिड़काव करने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं सफाई व्यवस्था हेतु अधिकृत संस्था किंग सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया गया।